इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आते थे कि सर 6283 बोर्ड के अंदर जो हमिंग आती है उसको कैसे ख़त्म करेंगे हम। तो मैं आज आपको देखिए कई तरीके दिखाऊँगा इसमें हमिंग ख़त्म करने के, और आप जो है सारे ही तरीके अपने एम्पलीफायर में यूज करके हमिंग को ख़त्म कर सकते हैं। तो हमिंग की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती किस किन किन चीज़ों से है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमिंग जो आती है वो आती है आपकी पावर सप्लाई से, यानी कि आपने कोई भी सर्किट लगा रखा है अगर उसके अंदर सप्लाई आपकी फिल्ट्रेशन नहीं है तो आपकी हमिंग आएगी। दूसरा होता है कि अगर आपकी ग्राउंडिंग सही से नहीं लगी हुई है, कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो सर्किट के अंदर ग्राउंडिंग होता है वहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा ग्राउंड जरूर देना पड़ता है हमिंग को ख़त्म करने के लिए। अगर हम एक्स्ट्रा ग्राउंड नहीं देंगे तो हमिंग हमारी ख़त्म नहीं होगी। आपने बहुत से बड़े बड़े एम्पलीफायर के अंदर देखा होगा कि उसके अंदर चेसी से ग्राउंड करते हैं हमिंग को ख़त्म करने के लिए। और कभी कभी क्या होता है कि USB की और ये जो वायर होती हैं ये वायर बहुत हल्की होती हैं तो इनसे हमिंग पूरी तरह ख़त्म नहीं होती है। तो देखिए, मैं आज आपको इसकी बोर्ड की हमिंग ख़त्म करके दिखाऊंगा और कैसे कैसे हमिंग ख़त्म होगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, पहले मैं ज़रा माइक जो स्पीकर पर रख देता हूँ, आपको दिखाई देगा कि हमिंग इसके अंदर कैसी आ रही है, और जब मैं एक एक करके कंपोनेंट लगाऊंगा इसकी हमिंग धीरे धीरे ख़त्म कैसे होगी। तो देखिए, मैं ज़रा माइक यहाँ रख देता हूँ। ये देखिए, इसके अंदर इस तरीके से हमिंग आ रही है मैंने जब इसके ऊपर माइक रखा। तो अब देखिए, मैं इसके अंदर क्या करता हूँ कि USB के ऊपर देखिए मैंने वायर लगा दी। USB का जो हमारे ग्राउंडिंग है, ये ऊपर की जो पत्ती है इसके ऊपर मैंने वायर लगा दी, और वायर लगाने के बाद देखिए मैं 7805 IC पे मैंने वायर लगा दी। तो देखिए, थोड़ी हमिंग हमारी ख़त्म हो गई। देखिए, एक वायर मेरी बोर्ड की ग्राउंडिंग पे और एक वायर जो है मेरी USB के ऊपर लगी हुई है, तो हमिंग हमारी थोड़ी ख़त्म हो गई। लेकिन अब हमें थोड़ी और हमिंग ख़त्म करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, एक कैपेसिटर लेंगे। देखिए, ये हमारा कैपेसिटर है, मैं ज़रा पास से दिखा देता हूँ। ये देखिए, 470 UF 35 वोल्ट, और आप चाहे तो इसको 25 वोल्ट भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, इसके अंदर अभी हमिंग जो है देखिए इस तरीके से है। अब मैं इस कैपेसिटर को देखिए कहाँ लगाऊंगा। तो देखिए, हमारी जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है वहाँ पर जो 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, तो ये वायर जो है हमारी 7805 IC पर जा रही है। तो देखिए, जब ये कैपेसिटर मैं यहाँ लगाता हूँ तो यहाँ लगाने से हमिंग हमारी बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती, वैसी की वैसी ही हमिंग है। लेकिन यही कैपेसिटर अगर मैं इस कनेक्टर के ऊपर लगा दूँगा जहाँ पर हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल है, तो हमारी हमिंग और भी ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखिए, ये कैपेसिटर जो है आपको माइनस प्लस देख के लगाना है। ये हमारा माइनस का निशान है, ये प्लस का है। प्लस वाला हमारा रेड वायर पर जाएगा और माइनस वाला हमारी ब्लैक वाली वायर पर जाएगा। तो देखिए, वायर हमारी एक ही है, 5 वोल्ट की जो वायर है देखिए 6283 के बोर्ड पे जा रही है, लेकिन वहाँ कैपेसिटर काम नहीं करेगा। काम आपका इस सिर्फ ब्लूटूथ के मॉड्यूल पे ही करेगा। अब देखिए, इस कैपेसिटर को लगा देता हूँ, थोड़ी और हमिंग ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे को जितने भी तरीके हमिंग ख़त्म करने के पता थे वो मैं आज आपको इस वीडियो में बता दूँगा। आप किसी भी एम्पलीफायर के ऊपर यूज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा पावर सप्लाई का फॉल्ट आता है, उससे आपकी हमिंग आती है, और आपकी अगर ग्राउंडिंग प्रॉपर नहीं लगी हुई है तब जाके हमिंग आती है। तो अब देखिए, इसमें हमिंग थोड़ी सी और रह गई है। अब मैं इस कैपेसिटर को लगाता हूँ, थोड़ी और ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखिए, मैंने कैपेसिटर को लगाया, अब आपको पता लग गया होगा कि थोड़ी और हमिंग ख़त्म हो गई है। तो इस तरीके से हम अपने एम्पलीफायर की हमिंग को ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा।